वही विधायक है जिन पर आरोप लगे हैं। आपका स्वागत है विश्वनाथ राम जी। जो आरोप आप पर लगे हैं कि 12 लाख रुपए में आपने ये टिकट खरीदा है, आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? मैंने कोई भी टिकट खरीदा नहीं, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और टिकट दिया। मैं कहीं से पैसा, तो हम कमजोर आदमी गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे, पैसा का कोई सवाल ही नहीं उठता। और हम पहले भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, लेकिन सर्वे के अनुसार पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझको टिकट दिया। विश्वनाथ जी सर, देखिए आपके जो करीबी हैं अखिलेश मुख्य, 50 साल से ज्यादा से वो आपको जानते हैं और जिस तरीके से वो बातें बता रहे हैं उससे तो स्पष्ट होता है वो झूठ तो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कोई भी हो, हम कभी पैसा के लेन देन में और नहीं, कोई बात पार्टी ने कही है ना मैंने उसको पूरा किया है। पार्टी के कोई नेता ने मुझ पर केवल विश्वास जताया है और विश्वास के रूप में मुझे टिकट दिया है। ये विश्वास कैसे जताया? पहले आप बीजेपी में थे, आपके पिताजी बीजेपी में रह चुके हैं, आपके चाचा जी बीजेपी से रहे हैं, आप 5 अक्टूबर को कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और 8 अक्टूबर को आपको टिकट मिल जाता है, मतलब इतना जल्दी आप पर विश्वास पार्टी ने जता दिया? जो सर्वे था, सर्वे के अनुसार पार्टी अपना जिताऊ सीट चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे किया था और अन्य पार्टियों ने जो सर्वे किया था उसके आधार पर सर्वे। कौन सा सर्वे? अब जो सभी पार्टियां कराती है अपने पर नतीजों पर, हर क्षेत्र में जो कराती है राज्य। विश्वनाथ राम जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की 3 में से किसी भी कमेटी ने आपके नाम पर अनुशंसा नहीं की थी। अच्छा जी, अब जैसे हो, हमको पार्टी ने टिकट दिया, हमको कोई पैसा का कोई मतलब नहीं है ना, कोई बात उठती है। जो भी हमारे जो भी कह रहे हो मेरे विषय में, टिप्पा टिप्पणी दे रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है और झूठी है। विश्वनाथ राम जी, पहले भी कांग्रेस पर चुनाव से पहले और उसके बाद भी तमाम आरोप लगाए थे खुद, किस तरीके से कांग्रेस में जो रह चुके हैं उन्हीं लोगों का कहना है। आपको बताऊं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं चंदन बागची अनिल शर्मा, उन्होंने टिकट बिक्री का आरोप लगाया था और अब जो ऑडियो सामने आया है उससे एक बार फिर ये साबित हो जाता है कि हाँ, कांग्रेस में टिकट को लेकर खरीद फरोख्त की जाती है और आप भी उसमें शामिल थे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, शक्ति सिंह गोहिल जी और बीरेंद्र सिंह राठौर जी, दोनों ने मुझसे बातचीत हुई, दोनों ने हमने इच्छा जाहिर की थी 2 महीने पहले कि हम आपके दल में आना चाहते हैं, इसलिए कि ये सीट गठबंधन में। लेकिन विश्वनाथ राम जी, इसमें जो आपके करीबी हैं, बहुत करीबी मैं उन्हें कहूंगी क्योंकि 50 साल से वो आपको जानते हैं, अखिलेश मुखिया, उन्होंने राइस मिलर का यहाँ पर जिक्र किया है कि उन्होंने ही आपको मिलाया था इनसे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन्होंने ही आपको मिलाया था और पैसे देने में उन्होंने ही आपकी हेल्प की थी। आप जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। कौन है वो अखिलेश मुखिया? वो आपके करीबी है ना, वो ये बात कह रहे हैं 50 साल से, वो कह रहे हैं कि छोटे से वो आपको जानते हैं, बचपन से वो आपको जानते हैं। 50 साल आयु ही नहीं हुई तो मुझे जन्म से ही गोद में थे तभी से हम जानने लगे, मुझको बचपन से आपको जानते हैं, करीबी हैं आपके। आप वो जो ऑडियो है वो बता रहे कि उसी क्षेत्र के वो हैं, उसी ब्लॉक के वो हैं और डिटेल में ये चर्चा भी हो रही थी कि आखिर कैसे विश्वनाथ राम को बीजेपी छोड़ने के बाद तुरंत कांग्रेस में कैसे टिकट मिल गया, वो भी 1-2 दिन के अंदर। बहुत सारे पार्टियों में ऐसा होता है कि लोग दल बदलते हैं टिकट मिल जाता है, मेरे साथ जो ही हुआ, जो पार्टी ने मुझसे विश्वास किया था और टिकट दिया, मैं चुनाव जीता। जब आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद आपने किससे मुलाकात की कांग्रेस में सबसे पहले जाके? तो सबसे पहले मेरे दल में रहते हुए ही, भाजपा में रहते हुए ही, मैंने शक्ति सिंह गोहिल, बीरेंद्र सिंह राठौर और अखिलेश सिंह से मुलाकात कर चुका था। मैं उनका नाम तो खुद ही इस ऑडियो में आ रहा है, कहा था कि राजपुर आएगा मेरे कोटे में तो आपको चुनाव लड़ाएंगे, अब आपको दल छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ठीक है हम दल छोड़ने को तैयार होंगे, बस अब क्या टिकट देंगे। 2 महीने पहले मेरी बात हो चुकी थी और जो भी अखिलेश हो चाहे कोई हो, कोई एवरीबॉडी कोई हो, तो आप जिस तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो सभी आरोप है ये गलत है, ये निराधार है, तो जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, आप पर सीधा सीधा तमाम आरोप लग रहे हैं, तो क्या आप आगे कहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए? जहाँ से जैसे हो जांच हो, आप मांग करेंगे? कहीं भी संलिप्तता मेरी नहीं है। और रही बात रुपये देने की, तो रुपये देने की स्थिति में विश्वनाथ राम नहीं है, एक दलित का बेटा है तो रुपया देने की औकात उतना कहाँ से आएगी।
हम एक कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी में तन मन धन से अपने सेवा करते रहे, जहाँ भी रहे, क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनते। चलिए ठीक है ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ है और उनके साथ चंदन बागची है। रुपेंद्र आप सुन रहे होंगे किस तरीके से साफ तौर पर विधायक जी कह रहे हैं, ये तो सारे निराधार हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो चंदन बागची जी हमारे साथ है, विधायक जी कह रहे हैं कि पार्टी ने उन पर भरोसा दिया और भरोसा रखा तब दिया, 5 तारीख को वो क्या कहते हैं कि बीजेपी से रिजाइन करते हैं और 8 तारीख को टिकट मिल जाता है, 3 दिन में पार्टी के इतने करीबी हो गए कि भरोसा हो गया। कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे वो राजापुर के बोल रहे हैं ना, तो उससे पहले क्या आया था वीडियो, उसमें क्या आया था, आप ही से पूछ रहे हैं जी। तो उसमें तो आया हुआ था कि वो बीजेपी में है, कई तरह से उन्होंने अपने पार्टी में भरोसा दिलाया और बोल रहे हैं कि दो महीने पहले से वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे, यानी कोई अपने पार्टी में भी। हम तो 48 साल से इस पार्टी में, उसको हम नहीं जानते। ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि जो है जो उसको टिकट बने किस ग्राउंड में मिला। ठीक है, विधायक जी जो है बोल रहे हैं ये उनकी बात है, लेकिन पूरा बिहार पैमाने पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ठीक भी मिला है और कुछ लोग गलत मिला है। खरीद फरोख्त कुछ लोगों ने किया है और वो खरीद फरोख्त तो हमने गलत टिकट दिया गया है, इसको जो है हाई कमांड को। विश्वनाथ राम जी भी अगर हमारे साथ हैं, आपने सुना किस तरीके से चंदन बागची कह रहे हैं, वो तो आपको नहीं जानते हैं, वो तो नहीं जानते आपको। इस बार देखिए कौन जानता है मुझे, कौन नहीं जानते हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो रह चुके हैं और आप कह रहे हैं कि कौन जानता है, कौन है, छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है। कैसे कह सकते हैं, मैं पहले ही कहा कि 48 साल से पार्टी में है, उन्होंने आपका नाम भी नहीं सुना। 2 महीने पहले मैं पार्टी के संपर्क में था और संपर्क मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं आपके दल में आने को तैयार हूँ, बस ऐसे मुझे आप टिकट देंगे तो मैं दल में आऊंगा, नहीं तो काम तो मैं जहाँ हूँ तहाँ कर ही रहा हूँ। लेकिन पार्टी ने मुझ पर, नेताओं ने मुझ पर, जो मैंने नाम लिया जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे टिकट दिया। सदा प्रदेश अध्यक्ष जो है इस ऑडियो में तो उन पर भी सीधा सीधा सवाल खड़े हो रहे हैं, शक्ति सिंह गोयल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंदन बागची जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ रुपेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए विश्वनाथ राम यही कह रहे हैं कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो निराधार हैं, वो गलत हैं और जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो सामने आया है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पर, उसकी भूमिका पर, कि क्या जो कार्यकर्ता वहाँ पर काम करते हैं, जिस तरीके से जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि टिकट खरीद फ्रॉक टिकट की हो रही है, 12 लाख रुपए का यहां पर जिक्र हुआ है। और ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है विधायक जी की तरफ से कि ठीक है मैं कहूंगा कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या वो जांच करवाते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।